ये रेजोल्यूशन में एससी एसटी और बीसी के बारे में कहा गया, तो क्या आप मुसलमान को भी इस रिजर्वेशन में लेंगे? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुसलमानों की पसमानदगी को भी देखेंगे। और मैं आपसे सर रिक्वेस्ट करूंगा, हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा टू अपॉइंट वर मेंबर बिलोंग्स टू एंथोलॉजिकल इकोनॉमिक इकोनॉमी एक्सपर्ट एंड डेटा एक्सपर्ट इन दिस सर्वे कमेटी सर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सर। अगर ये दो लोग रहेंगे तो इससे होगा। एंड सर मैं फिर से आखिर में आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि और रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट टू ब्रिंग द बिल इन द हाउस फॉर द कंडक्ट ऑफ कास्ट सर्वे इन अ प्रॉपर मैनर एंड देयर आफ्टर इनिशिएट अ फॉलो अप एक्शन ऑन इट्स फाइंडिंग सर। और मैं फिर से कहूंगा कि मुसलमान बड़ी उम्मीद के साथ आज भी खड़ा है इस दस्तूर के ताबे रहते हुए, इस दस्तूर में दिए गए हुकूक को हासिल करने के लिए दस्तूरी जिद्दोजहद कर रहा है और हर एक से उम्मीद लगाया खड़ा है कि हमसे इंसाफ होगा, हमको हक मिलेगा। हम आज भीख नहीं मांगेंगे, हम सिर्फ दस्तूर में दिए गए हुकूक और हक को मांगते हैं और मुसलमानों को भी वो ड्यू शेयर, वो ड्यू रिस्पेक्ट देने का मुतालबा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये हुकूमत मुसलमानों के साथ इंसाफ करेगी, मुसलमानों को उनका हक देगी और दस्तूर में जो हुकूक अखलियतों को दिए गए हैं वो हुकूक के जरिए मुसलमानों की और अखलियतों की पसमानदगी को दूर करेगी। स्पीकर साहब आपने जो मौका दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। श्री वाकाटी श्रीहरी।